हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत बढ़िया लगी फिल्म, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। और शैलेंद्र सिंह जो परसेप्ट के ओनर हैं, जिन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, सैकड़ों फिल्में, इवेंट्स करते हैं बड़े बड़े, वो सब उनका डायरेक्शन की तरफ जो नया जो एंट्री उन्होंने मारी है, बड़ी कमाल तरीके से और एकदम मास्टर के तरीके से मारी है, तो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी फिल्म बन गई है। सारे एक्टर्स ने बहुत कमाल का काम किया है और कच्चे दिन एक सिंबॉलिक फिल्म है, बहुत सारे हर शॉट, हर एंगल, हर जो ट्रीटमेंट है वो एक सिंबॉलिक है इस शहर के लिए, कि शहर में क्या क्या कितना कच्चा है, लोग, समाज, सोसाइटी, आसपास, तो जो चीज़ों के और समाज के जो कच्चेपन है उनकी तरफ उजागर करती है रिलेशनशिप के थ्रू ये फिल्म। और एक जर्नी है, देखते हैं, एक टैक्सी ड्राइवर है जो अलग अलग किस्म के पैसेंजर से मिलता है और उनमें उनका कच्चापन और अपना कच्चापन दोनों से डील करता है और कुछ चीज़ें पैदा करता है। ये मेन कंटेंट क्या है? कंटेंट यही है, कंटेंट एक जर्नी है, एक ड्राइवर की कहानी है जो अलग अलग लोगों से मिलता है एंड उसे, और वो जो अलग अलग लोग हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे पता है वो, इस इत्तेफाक की बात है, बहुत बढ़िया चीज़। काला कांडी आ रही है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को काला कांडी आ रही है, ट्रेलर लॉन्च हो गया है, सब लोग देख रहे हैं, बहुत कमाल का रिस्पॉन्स है उसका और बहुत उम्मीदें हैं और सब एक्टर्स ने उसमें भी बहुत कमाल का काम किया, तो प्लीज़ 12 जनवरी न्यू ईयर में काला कांडी आ रही है, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना, तो एकदम त्यौहार शुरू हो चुका है, सर्दी का मौसम है, गरम गरम कपड़े पहन के अच्छी सी रोमांटिक फीलिंग के साथ आप फिल्में देखिए, एंजॉय कीजिए और खुश रहिए, धन्यवाद। ये हमारे भाई ने फुकरे लिखे, क्या बात है, ये है गीता कॉलोनी से, क्या बात है, ये हमारे भाई है सीमांत, अरे हो गया, अरे दैट्स द प्लान, फिल्म के बारे में आई होप यू गाइज लाइक इट, प्लीज़ देखिए फिल्म को, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एक्चुअली दो रोल्स प्ले कर रही हूँ, आपने देखी फिल्म तो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आप एक छोटी सी फिल्म में दो कम्प्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट रोल्स प्ले कर रही हूँ, तो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी चैलेंजिंग बिकॉज क्योंकि दोनों रोल्स बिल्कुल अलग हैं, तो बहुत मज़ा आया करने में, आई लव अ गुड चैलेंज, तो मुझे कुछ अगर सिंपल सा कुछ लेते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे जब तक कुछ टफ और चैलेंजिंग नहीं होता तो तब तक मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो मज़ा आया। क्या कहना चाहेंगे टैक्सी ड्राइवर का, उन हाँ आई थिंक दीपक ने बहुत ही अच्छा रोल किया है, आई थिंक ही डज जस्टिस टू एवरीथिंग ही टेक्स अप, बहुत अच्छा, आई थिंक अगर आप फिल्म देखेंगे तो देर आर सो मेनी सीन्स इन द फिल्म वेयर यू रिलेट टू द टाइटल ऑफ द फिल्म, यू नो इट्स कॉल्ड कच्चे दिन, तो हम सब ने आई थिंक लाइफ में वो स्टेजेस देखे हैं या फेजेस देखे हैं जब हमारे थोड़े कच्चे दिन चल रहे होते हैं, तो आई थिंक मोस्ट पीपल विल रिलेट टू इट बिकॉज आई थिंक एवरी वन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल, सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने लेवल पे डील कर रहे होते हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स से। अभी एक एक्चुअली दो दिन पहले एक डिज्नी का वेब सीरीज़ रिलीज़ हुआ है, इट्स कॉल्ड तेरे लिए ब्रो, बिंदास के वेब चैनल पे आ रहा है, एक्चुअली बिंदास टीवी पे भी आ रहा है, फर्स्ट एपिसोड रिलीज़ हो गया है, उसके बाद एक और वेब सीरीज़ आ रहा है नेक्स्ट मंथ, जो ये कुमार मंगत, अभिषेक पाठक जिन्होंने प्यार का पंचनामा बनाई थी उनका वेब सीरीज़ आ रहा है कॉल्ड बारकोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आएगा। उसके बाद एक फिल्म आ रही है क्रियार्ज एंटरटेनमेंट की, जिन्होंने अभी अभी पैडमैन और टॉयलेट एक प्रेम कथा करी थी, तो उनके साथ एक फीचर फिल्म आ रही है, वो नेक्स्ट ईयर तक सम टाइम रिलीज हो जाएगी।